हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आपका हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भारत देश की भूमि की विशेष महत्ता है। यहाँ भगवान युग युग कल्प कल्प में अवतार लेते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं, और इस देश की देव भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड का महत्व भी अति विशेष है। यहाँ तीर्थ स्थलों के रूप में भगवान के विभिन्न स्वरूप की शक्तियाँ विराजित हैं। इन्हीं तीर्थ स्थलों में एक अति दिव्य स्थान है, जहाँ शक्ति भगवती भक्तों पर विशेष कृपा कर उनकी समस्त अभिलाषाओं को पूरा करती हैं। यहाँ भगवती साक्षात कुंजापुरी रूप में विराजमान हैं। तो भक्तों, आइए दर्शन करते हैं माँ कुंजापुरी देवी मंदिर के। उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश नगर के पास टिहरी गढ़वाल में स्थित है कुंजापुरी देवी मंदिर। ये एक अति प्राचीन मंदिर है। माँ शक्ति की आज्ञा से ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था। यहाँ माँ का ममतामय रूप विराजमान है। जो भक्त माँ शक्ति कुंजापुरी की अपनी माँ के स्वरूप में पूजा और उपासना करता है, माँ उस भक्त की सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करती हैं। यह देवी बहुत ही दयालु और सिद्ध पीठ भी है, और यहाँ पर यह शक्ति पीठ भी है। माँ का यहाँ पर वक्ष स्थल है, और प्राचीन समय से हमारे पुरखे यहाँ पर इस मंदिर की सेवा भाव में माँ श्री श्री चरणों में लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ बने हुए हैं। भक्तों, माँ शक्ति भगवती का मायका कनखल हरिद्वार के पास है। एक बार जब माँ सती के पिता दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को यज्ञ का निमंत्रण भेजा, परंतु भगवान शिव को उन्होंने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। पर देवी सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने की प्रार्थना शिव से की। भगवान शिव ने देवी सती को समझाया कि हमें यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, पर सती बार बार अपने पिता के यज्ञ में जाने का आग्रह करने लगी और अपने हठ से अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ में सती देवी को देखकर दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव की निंदा और बुराई करना प्रारंभ कर दिया। अपने पति शिव का ऐसा निरादर देखकर देवी सती ने यज्ञ कुंड में अपने शरीर की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को ये पता चला, तो उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष के यज्ञ के साथ ही दक्ष का भी नाश कर दिया, और देवी सती के प्राणहीन शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। माँ सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे, वहीं शक्तिपीठ बन गए। इस प्रकार माँ सती के शरीर के अंगों से 51 शक्तिपीठ बने। यहाँ इस स्थान पर माँ सती का वक्ष स्थल गिरा था, इसलिए इस स्थान को कुंजापुरी धाम कहते हैं। ये 51 सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ है। ये स्थान सिद्धपीठ के साथ शक्तिपीठ भी है। यहाँ माँ करुणामयी ममतामयी हैं, जो भक्तों की कामनाओं की सिद्धि अति शीघ्र करती हैं। भक्तों, माँ कुंजापुरी देवी मंदिर 1676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये माँ शक्ति का अति प्राचीन स्थान है। लगभग 170 वर्ष पूर्व माँ भगवती ने प्रेमू भंडारी को आदेश दिया कि मैं यहाँ कुंजापुरी रूप में विराजमान हूँ, तुम मेरे मंदिर का निर्माण कराकर यहाँ मेरी प्रतिष्ठा करो। और माँ के आदेशानुसार श्री प्रेमू भंडारी ने माता के मंदिर का निर्माण कराया और माँ की पूजा भक्ति भाव से प्रारंभ कर दी। समय समय पर मंदिर का पुनरुत्थान होता रहता है। आज भी मंदिर के हर कीर्तन आयोजन में प्रेमू भंडारी की जय जयकार की जाती है। वैसे कुछ किंवदंतियां ऐसी भी हैं कि इस स्थान की खोज आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कई वर्षों पूर्व की थी। भक्तों, सड़क मार्ग से पैदल मंदिर की दूरी लगभग 200 मीटर है। छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में प्रवेश किया जाता है। मंदिर के प्रवेश मार्ग में भक्तजन माँ की जय जयकार करते हुए चलते हैं, जिससे मार्ग की चढ़ाई का पता ही नहीं चलता। प्रवेश द्वार पर हाथी और शेर की प्रतिमाएं हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है। मंदिर इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ मंदिर प्रांगण से हिमालय पर्वत श्रृंखला के दर्शन हो जाते हैं। ये अति ही रमणीय स्थान है। यहाँ पहुंचकर किसी दिव्य लोक की अनुभूति होती है। एक तो मंदिर की सुंदरता, दूसरे वातावरण की दिव्यता, तीसरे माँ भगवती कुंजापुरी की शक्ति का संचरण। वस्तुतः ये स्थान बहुत ही दिव्य और अति रमणीय है।
यहाँ मन को आह्लादित करने वाली वायु दिव्य सुगंध को लेकर बहती रहती है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य मन को अभिभूत कर देते हैं। यहाँ से सुंदर घाटियों पर्वतों के दर्शन कर मन जिस आनंद की प्राप्ति करता है उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। भक्तों, उत्तराखंड में माँ शक्ति के 3 स्वरूप मुख्य हैं, जिनमें माँ कुंजापुरी, माँ सुरकंडा और माँ चंद्रवदनी हैं। ये पर्वत श्रृंखला पर एक त्रिकोण आकार में स्थित हैं। इन तीनों स्थानों के दर्शन की विशेष महत्ता है। ये तीनों स्थान भक्तों के मनोरथों को अति शीघ्र पूरा करने वाले हैं। जो भक्त इन तीनों स्थानों के दर्शन पूर्ण विश्वास और भक्ति भाव से करते हैं, माँ भगवती अवश्य ही उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करती हैं। मंदिर के गर्भगृह में माँ की कोई भी मूर्ति या विग्रह नहीं है। यहाँ एक गड्ढे में माँ पिंडी रूप में विराजमान है। यहाँ माँ की शक्ति रूप में पूजा की जाती है। यद्यपि माता की एक सुंदर प्रतिमा मंदिर में एक ओर स्थापित की गई है, माँ भगवती कुंजापुरी करुणा की मूर्ति हैं। माता यहाँ पूजा अर्चना उपासना करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। भक्तजन पूजा करते हुए भाव में भरकर माँ की जय जयकार करते हैं। हजारों हजारों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर आता है अपनी इच्छा को लेकर के, अपनी मन्नत उनकी होती हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और फिर दोबारा यहाँ पर रिपीट होते आते हैं। मंदिर में प्रातःकालीन आरती का समय 6:30 बजे है तथा संध्या आरती 7:30 बजे होती है। भक्तों, यदि आप ऋषिकेश स्थित कुंजापुरी देवी मंदिर के दर्शनों के लिए आए तो आसपास कई अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं सुरकंडा माता मंदिर, चंद्रवदनी माता मंदिर, लक्ष्मण झूला, राम झूला, नीलकंठ महादेव, त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन, गीता भवन इत्यादि। आप उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल स्थित कुंजापुरी देवी मंदिर की यात्रा देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यदि आप कुंजापुरी देवी मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देश के किसी भी मुख्य शहर से हवाई यात्रा द्वारा देहरादून के जॉली ग्रैंड हवाई अड्डे पहुंचना होगा। हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप कुंजापुरी देवी मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो ऋषिकेश देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। कुंजापुरी देवी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करने के लिए ऋषिकेश शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ा हुआ है। आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा ऋषिकेश पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यदि आप कुंजापुरी देवी मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और मां कुंजापुरी की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, इति शुभम।